कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में तमिलनाडु की दुकानों और गाड़ियों की तोड़फोड़ किए जाने के बाद शहर में बड़े समूहों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु तक जाने वाली बस सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई। स्कूल और कॉलेज भी शहर में बंद कर दिए गए। सोमवार की सुबह चेन्नई के न्यू वुडलैंड्स होटल पर कथित तौर पर एक तमिल संगठन द्वारा हमला किया गया। हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 10 लोग शामिल थे। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें राज्य ने कहा था कि वह 15,000 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ पाएगा। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए कर्नाटक से 20 सितंबर तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अब कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अम्बाला में कांग्रेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 18 सितंबर को कांग्रेस महापंचायत करने जा रही है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा भी हिस्सा लेंगी। कांग्रेस का कहना है कि फसल बीमा योजना लागू करने से पहले सरकार ने इसे बिना किसी नीति के बना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना के बहाने सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। यूपी चुनाव से पहले सीएम अखिलेश यादव ने एक और सख्त कदम उठाया है। अखिलेश ने आज 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। पहले उन्होंने यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया, उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को भी बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने हाल ही में खनन घोटाले में सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। प्रजापति मुलायम सिंह यादव के काफी करीब समझे जाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जाँच कराने के आदेश दिए हुए, जिसके बाद अखिलेश सरकार दबाव में आ गई थी। माना जा रहा है कि इसी के चलते राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अवैध खनन की सीबीआई जांच के बाद यूपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और अब मुख्यमंत्री अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया। यूपी में अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच से अखिलेश सरकार को पहले ही झटका मिल चुका है। बता दें कि गायत्री प्रजापति अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी विवादों में रहे। पंजाब का सियासी पारा गरमाते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोगा में किसान रैली की। लाखों की तादाद में लोग अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए पहुंचे। रैली में केजरीवाल पंजाब की सरकार पर जमकर हमला बोले। पंजाब में रैली करने के दौरान केजरीवाल ने पंजाब में किसान मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की सरकार ने पूरे राज्य को नशे में ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि नशे में ढकेलने वालों पर केस किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद वो मजीठिया पर भी केस करेंगे। सीडी कांड पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बादल और उनकी टीम ने मिलकर हमारे खिलाफ 63 फर्जी सीडी बनाई। यूपी के मऊ जिले में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला मऊ जिले के सराय लखनसी थाना के फातिमा मोड़ का है, जहां नेशनल हाईवे 29 के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में बिजली के खुले तार से एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। लोगों ने नेशनल हाईवे को घंटों जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल नेशनल हाईवे के पास लगे ट्रांसफार्मर से कुछ दिन पहले से ही बिजली का तार गिर गया था, जिसको लेकर लोगों ने बिजली विभाग को सूचना भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके नतीजन सोमवार सुबह टहलने के लिए निकली बुजुर्ग महिला बिजली तार के चपेटे में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल बिजली विभाग इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर के थाना बिठूर क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बिठूर क्षेत्र के बगदौती गाँव की है, जहाँ एक गत्ता फैक्ट्री में एक युवक को गोली मार देने की खबर आई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को एक 15 बोर के तमंचे के साथ एक कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त वहां 5 लोग मौजूद थे। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई। फैजाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला समेत 4 मरीजों की मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मरीज के परिजनों ने 3 डॉक्टर की पिटाई भी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय से मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 4 की मौत हो गई। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल से जो ऑक्सीजन मशीन लगाई गई थी उसमें गैस ही नहीं था,
बता दें कि मरीजों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल के बाहर घूम रहे कुछ दलालों की वजह से उन्हें दवा मिलने में मुश्किल होती, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में घूम रहे दलालों पर पुलिसिया कार्रवाई की थी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन मौतों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पूरे देश में इन दिनों गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। हर कोई अपने गणपति की सेवा में लगा हुआ है। सोमवार को गुजरात के आणंद जिले में 60 से ज्यादा गणपति विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लोगों की खूब भीड़ देखी गई। हर कोई गणपति के रंग में रंगने के लिए झूम रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदा किया गया। बता दें कि गुजरात के वल्लभ बिघा नगर में पिछले कई सालों से अलग अलग मंडलों द्वारा इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां पूजन करके शोभा यात्रा के लिए निकाली जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह दी गई है, जबकि गौतम गंभीर को मौका नहीं मिला है। रोहित शर्मा पर लगातार सस्पेंस चल रहा था। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर भी इस टीम से बाहर रखा गया है। पहला टेस्ट मुकाबला 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का हालिया फॉर्म बेहद खराब चल रहा है। धवन वेस्ट इंडीज में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा पाए थे और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। माना जा रहा था कि धवन की जगह गौतम गंभीर के नाम पर विचार हो सकता है, लेकिन गंभीर को टीम में जगह नहीं मिली है। दिल्ली के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और वो पूरे 2 सालों से टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में जुटे हैं। गंभीर ने पहले मैच में इंडिया रेड के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली, फिर इंडिया ग्रीन के खिलाफ पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 59 रन बनाए। इसके बाद फाइनल की पहली पारी में उन्होंने 94 रनों की पारी खेली। आलिया रिलीज फिल्म बार बार देखो के खराब प्रदर्शन से परेशान अभिनेत्री कैटरीना कैफ सोमवार सुबह फतेहपुर सिकरी दरगाह पहुंची। यहां उन्होंने माथा टेका और फिल्म के अच्छे प्रदर्शन के लिए दुआ मांगी। बता दें कि कैट फतेहपुर सिकरी में काफी आस्था रखती हैं। अपनी फिल्मों की सफलता के लिए यहां वो अक्सर मन्नतें मांगने आती हैं। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की शूटिंग के दौरान कैटरीना यहां पहुंची थी और कुछ सीन शूट भी किए थे। गौरतलब है कि कैटरीना की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई हैं। फैंटम और फितूर भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी। हालिया रिलीज फिल्म बार बार देखो भी दर्शकों पर जादू नहीं चला पा रही।